मोदी सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने नोटबंदी को देश के लिए बड़ा क्रूर और मौद्रिक झटका करार देते हुए कहा है कि इससे अनौपचारिक क्षेत्र पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर की तरह संघीय संस्थान बनाए जाने की आवश्यकता बताते हुए गुरुवार को कहा कि मरीजों को कल्याण के लिए राजस्व और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों तथा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का विलय कर दिया जाना चाहिए। ब्याज दर के संबंध में दिए गए अमेरिकी फेडरल रिजर्व के प्रमुख जेरोम पॉवेल के बयान से अधिकतर विदेशी बाजारों से मिले सकारात्मक संकेत और भारतीय मुद्रा की मजबूती से उत्साहित निवेशकों की लिवाली के दम पर गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार में भी तेज छलांग लगाई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कहा कि भारत को अब एक प्रतिष्ठित शक्ति के रूप में देखा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, व्यापार, वाणिज्य और पर्यावरण संरक्षण के संबंध में वैश्विक प्रतिमानों को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र में कांग्रेस शासन को घोटालेबाज तथा आतंकवाद को काबू नहीं करने वाली पार्टी बताते हुए कहा कि विकास के लिए कांग्रेस को विदा करना जरूरी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि यदि फ्रांस और जर्मनी कई युद्ध लड़ने के बाद अच्छे संबंध रख सकते हैं तो भारत पाकिस्तान के संबंध भी बेहतर हो सकते हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर का शिलान्यास होने को लेकर बुधवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय वार्ता इस कॉरिडोर पर निर्भर नहीं है।